गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेवन एंड एक्सरसाइज नंबर 2.6। वर्ड प्रॉब्लम और बेसिकली फ्रैक्शंस का वर्ड प्रॉब्लम है ये, जिसमें डिवीजन का यूज किया है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिलिबरेटली विदाउट थिंकिंग आप दो डिजिट्स को देख के उसको सीधा सीधा डिवीजन करने की कोशिश करें, डिवाइड करने की कोशिश करें, जैसे कि कई बच्चे शॉर्टकट में करते हैं। रादर आप उस क्वेश्चन को, जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम का रूल मैंने आपको बताया, देयर इज थ्री स्टेप्स। फर्स्ट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, डिकोड इट, देन सेकंड जो है राइट द इक्वेशन अकॉर्डिंगली, और थर्ड सॉल्व। तीनों में से एक भी स्टेप में कोई गलती हुई तो आपका आंसर जो है वो गलत है। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में सीधा सा इक्वेशन दे रखा है, उसको सॉल्व करना है, तो इसका मतलब आपको केवल डिकोड करना है और इक्वेशन बनानी है, उसके बाद सॉल्यूशन आपको करना आता है। तो पहली बात तो ये है कि इट इज वेरी क्लियर। सेकेंडली, मल्टीप्लीकेशन वाला जो क्वेश्चन है इस तरह का, वो 2.4 के अंदर वर्ड प्रॉब्लम देखा है आपने, और 2.3 के अंदर आपने क्या देखा है, 2.3 के अंदर आपने देखा है कि उससे रिलेटेड रेगुलर क्वेश्चन। तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो समझने वाली बात यह है कि जब एग्जामिनेशन में आएगा तो आपके दोनों क्वेश्चन मिक्स आएंगे, इसका मतलब आपको थोरोली अंडरस्टैंड करना है, एंड देन आफ्टर यू नीड टू सॉल्व इट। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी जार्स ईच ऑफ कैपेसिटी 2.2 by 1 by 4 liter can be filled from a tank 28 by 1 by 8। तो भैया सिंगल जार की कैपेसिटी कितनी दे रखी है, तो यू हैव टू राइट इट, इट इज लाइक 2 1 by 4 liter, इट इज अ स्मॉल जार। अभी कितने जार वी कैन फिल इट, कितने जार भर सकते हैं, और टैंक की कैपेसिटी और ऊपर बहुत बड़ा टैंक है रूफ के ऊपर, ये कहीं कहीं पे भी टैंक है जिसपे सपोज इस तरह का नल लगा हुआ है और ऐसे जार भरने हैं, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 28 1 by 4। इसको सॉल्व करें तो 8 और 9 by 4, और इसको करेंगे तो 8 64 64 plus 1 65 5 आ गया, पीछे 6 बचा, 8 16 6 6 2 और 8 2, तो ये आपका सीधा 22 225। अब आपको नंबर ऑफ जार्स कितने भर सकते हैं, कैन बी फिल्ड, तो नंबर ऑफ जार कैन बी फील्ड, तो क्या होगा, सिंपल सा टोटल टैंक कैपेसिटी डिवाइड बाय जार कैपेसिटी, राइट। अब टोटल टैंक कैपेसिटी डिवाइड बाय जार कैपेसिटी क्या होगा, 225/8 और डिवाइड बाय
4 को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे आप, इसको उल्टा लिख सकते हैं, 22/8 / 225/8 × 4/9। और 4 1 = 4 और 4 2 = 8। अब ये देखिए 9 से जाता है कि नहीं जाता, पहले अपन 3 से देख लेते हैं, जाएगा बिल्कुल, क्योंकि इसको ऐड करेंगे तो आप को ये मिलेगा कि इसका जो सम है वो 9 है, तो 9 क्योंकि टेबल में आपके 3 से डिविजिबल है, तो ये 9 भी डिविजिबल है, 3 3 = 9 और 3 7 = 21, पीछे बचा 1 5 3 5 = 15। तो ये हो गया सॉल्व। इसके बाद में फर्दर बिल्कुल जाएगा, 3 1 = 3 3 2 = 6 1 3 5 = 15, तो 25 बाकी 1 है तो = 25। तो आंसर क्या है, 25 जार्स। 25 जार्स हम फिल कर सकते हैं बहुत इजीली। अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आपको स्टेप भी सारे लिख के बताया है, आपको हर एक स्टेप को इसी तरह प्रॉपरली लिखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। और जब आप ऐसे करेंगे तो आपका जो एग्जामिनर है वो आपको जो है पूरे नंबर देंगे, और साथ ही साथ अगर अगले वाले क्वेश्चन के अंदर भी वो ये कंसिडर करेंगे कि अगर आपने किसी छोटी मोटी गलती की है, मिस्टेक की है, तो वो क्या करते हैं, ओवरलुक कर देते हैं उसको, क्योंकि उनको पता है कि जिस स्टूडेंट ने इस तरह से पूरे सारे स्टेप लिख के प्रॉपरली सॉल्व किया है, तो वो क्लिनिकल एरर या छोटी मोटी गलती जो है वो उसकी कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है ना। ओके, दीपक ट्रेवल, थर्ड क्वेश्चन है, दीपक ट्रेवल कितना दिन कितने किलोमीटर फाइंड डिस्टेंस कवर्ड और टाइम टेकन टू ट्रेवल कितने किलोमीटर, दो क्वेश्चन एक साथ दे रखे हैं। दीपक ट्रेवल अब देखिए पहले तो है कि डिस्टेंस, अब मैं इसको थोड़ा सा पास कर रहा हूं, डिस्टेंस कितना दे रखा है पहले 4 3 2 1/2 डिस्टेंस डी से, और इसमें कितना टाइम लगा, ये टी डिस्टेंस T1 और ये T1 टाइम कितना लगा 9 1 2, तो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करने में किसको, दीपक को कितना टाइम लगा, इतना टाइम लगा। अब ये कह रहे हैं कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, कितना 6, तो अगर T2 दे रखा है और आपको इस टाइम को, अब भाई ये कैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल। अब इसके अंदर देखिए आपको एक समझने वाली बात ये है कि ये टाइम जो है से इतने डिस्टेंस कवर करने में लगता है, तो सब तो 1 आवर में कितना टाइम लगेगा, तो 1 आवर में जो टाइम लगेगा वो इससे डिवाइड तो होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय दीपक इन 1 आवर, ये आर में है सारा सब कुछ, बिल्कुल आर है, किलोमीटर में है, किलोमीटर आर में है, हम इसी में रखते हैं, इसके यूनिट को चेंज नहीं करेंगे, 4 3 2 इसको पहले कन्वर्ट कर देते हैं, 4 2 = 4 और 5 6 8/2 किलोमीटर और 9/2, तो 4
फोर सिक्स फाइव बाय टू, ये तो डिस्टेंस क्रमण टोटल किया है दीपक ने, कितने टाइम में लेते हैं? तो वन आवर में, तो ये 19 मैक्रो आवर में किया, तो वन आवर में कितना करेगा? अगेन नंबर ऑफ डिस्टेंस नंबर बाय वन आवर, तो डिवाइड करेंगे इसका, ठीक है। अब सॉल्व करना है इसको, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/19 हो जाएगा, ठीक है। अब फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो सीधा आपका डिस्टेंस आ जाएगा। इसके साथ ही आपको टाइम देखा लिए इतने किलोमीटर में कितना लगेगा। अब ये वन आवर में जितना टाइम लग रहा है, ये तो वन आवर में लग रहा है। अब सिक्स आवर में, तो उसको पहले तो इसको ध्यान रखिएगा, ये तो वन आवर में लग रहा है, लेकिन आपको ये आंसर नहीं निकालेगा। मैं इसको फर्दर पढ़ रहा हूं, तो क्वेश्चन नंबर इसके अंदर फर्स्ट दे रखा है, वो दे रखा है सिक्स आठ में कितना डिस्टेंस। अब ये डी थ्री मतलब डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अब ये वन आर में, तो इतने आर में कितना होगा? अब इसके अंदर डिवाइड नहीं होगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा। हाँ, कीप इन योर माइंड, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन डिवाइड, यू हैव डन एंड यू हैव कैलकुलेटेड फॉर वन आर। अब दूसरी बात ये तो आपको ये समझ में आ गया। अब दूसरा तरीका, हमेशा कीप इन माइंड दैट यू डू नॉट फॉरगेट अबाउट द यूनिट्स, ये है किलोमीटर में और ये है आर में। तो किलोमीटर में आर को डिवाइड कर रहे हो, तो ये किलोमीटर और डिवाइड द आर, ये रहेगा। अब आपको डिस्टेंस निकालना है, किलोमीटर निकालना है, तो कभी आप कंफ्यूज भी हो जाओ तो आपको पता है कि ये तो भैया वन आर के अंदर कितना है, तो 4, 6, 5/19 है, ये किलोमीटर पर आर है और इसके अंदर आर ही, मतलब ये 6 और ये 13/2, तो इसको 13/2 से आपने किया मल्टीप्लाई, यस। और फर्दर आप आंसर निकालोगे, क्योंकि जैसे किलोमीटर पर आर मल्टीप्लाई में आर करेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या है, क्या है, तो ये फर्दर आप सॉल्व खुद करेंगे। इसके अलावा जो सेकंड है, टाइम टेकन टू ट्रेवल इतने किलोमीटर। अब टोटल कितना टाइम लगेगा
कितने आर लगेंगे इसको ट्रेवल करने में। तो सीधी सी बात ये है कि आपको ये पता है कि इतने किलोमीटर को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है, तो 1 आर में कितना हिस्सा लगता है, तो इतने में कितना लगेगा, तो इसके अंदर डिवीजन आएगा। टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, इतने किलोमीटर, और पर जार वाले की नहीं है, इसके अंदर टोटल दे रखा है आपको इतने किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा, और आपको सिंगल दे रखा है कि कितने 1 आवर में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो आप ये से डिवाइड कर दीजिएगा 4 6 5 अपॉन 19। अब देखिए इसके अंदर एक यूनिट में भी आप देखेंगे तो ये किलोमीटर डिवाइडेड बाय किलोमीटर अपॉन आर, या दूसरे में लिखें तो किलोमीटर बाय किलोमीटर और आर, और ये और अपने आप ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में और हो जाएगा, या इसको लिखें तो ये डिवाइड कर तो उल्टा हो जाएगा, तो किलोमीटर इंटू आर इंटू किलोमीटर, तो किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा, आर बचेगा, इसमें भी किलोमीटर किलोमीटर कट गया, आर बचेगा। आर मतलब कितना इसमें टाइम लगेगा। तो मैंने आपको यूनिट से भी समझा दिया ये क्वेश्चन, और आप सीधा डिवीजन भी कर सकते हो। इसके अंदर क्या टोटल कितना 1311 अपॉन 50, और पर यूनिट मतलब पर आर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है, डिवाइड बाय 4 6 5 9। ओके, तो ये आपका जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो आपका आंसर। जहां तक मेरे को लगता है कि आपने कंप्लीटली थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया मैंने, तो एक बार अच्छे से आप अपनी कॉपी में एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा। हमारे पास तो पूरी की बाउंडेशन रहती है वीडियो के अंदर, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इतना 15 5 बाय 6 15 बाय 5 अपॉन 6। इफ द वन नंबर इज इतना, व्हाट इज द सेकंड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। टू नंबर प्रोडक्ट जो है वो मैं आपको फटाफट करके बता रहा हूं, क्योंकि तो मैंने आपको मेन टू नंबर इज इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन स्टार्ट के करवा दिए हैं। अब इसमें से वन नंबर कितना है, 6 1 बाय 3, तो वाइट इज द अदर नंबर। ओके, वन नंबर कितना है, कन्वर्ट कर देना है इसको 18 और 19 बाय 3, और ये जो है 95 अपॉन 6। अब यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा क्या, डिवाइड हो जाएगा, तो अब ये नंबर आपको पता पड़ जाएगा 95 अपॉन 6 डिवाइड 19 अपॉन 3 उल्टा। तो ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा आप इनकी जगह आपको प्रॉपर लैंग्वेज लिखनी है, और यहाँ पे एक्स रख दीजिएगा, और ये भी आपको आता है। बाय व्हाट नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट 42, तो व्हाट नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाई टू गेट 42, सेम इक्वेशन लाइक दिस, थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज उधर जाएगा, तो नंबर निकालने के लिए कर लोगे आप। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट अरेंज
सिक्स्थ क्वेश्चन एंड ईच कॉन्ट्रीब्यूटर इतना द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इतना हुआ है तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर. अब इतना एक स्टूडेंट्स ने इतना कॉन्ट्रीब्यूट किया है तो सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट और एक इतना करता है सिक्सटी वन बाय वन बाय टू. अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बस अगर आप टोटल आप क्वेश्चन है कि टोटल 20 रुपए कलेक्ट हुए हर स्टूडेंट 2 रुपीज कलेक्ट करता है तो बताओ कितने स्टूडेंट्स से तो आप क्या करोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ईच स्टूडेंट से कलेक्ट किए 2 रुपीज तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आना चाहिए. अब इसको इधर भेजोगे डिवाइड में डिवाइड करके तो 10 तो 10 स्टूडेंट यही सब क्वेश्चन बनाएंगे बस सेम सिंपल सेम इक्वेशन आर मेड इन प्रीवियस क्वेश्चन और अभी भी आपको ये ऐसी ही इक्वेशन बना दी है और सॉल्व करना है. सेवर द ए बॉट इतने 18 by 1 by 2 मीटर क्लोज फॉर इतने रुपीज मतलब 245 by 1 by 8 245 by 1 upon 8 b by इतना for same cloth. How much b pay to the shopkeeper? Again, थोड़ी सी लैंग्वेज बड़ी हो गई है. अच्छे से समझिएगा. थैंक यू.